आपने शादी समारोह के दौरान खूब तड़क भड़क देखी होगी और बेहद सादगी के साथ भी हुई शादियों के गवाह बने होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी दूल्हा दुल्हन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक ऐसी शादी हुई है जहां पर फेरे लेने से पहले न सिर्फ दूल्हा दुल्हन ने ब्लड डोनेट किया बल्कि शादी में शामिल होने आए वर वधु पक्ष के दर्जनों लोगों ने भी रक्तदान में हिस्सा लिया। पहली नज़र में इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा कि शादी समारोह में कहीं दूल्हा दुल्हन की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और फेरे लेने से पहले रक्तदान कर रहे हैं। दरअसल दूल्हे का नाम अजीत सोनी है और उसकी शादी प्रियंका गुप्ता नाम की युवती से हुई। अजीत चंदौली के रहने वाले हैं जबकि प्रियंका गुप्ता चंदौली जिले की सकलडीहा की रहने वाली हैं। ये दोनों जन सहयोग संस्था के नाम से एक एनजीओ में अधिकारी हैं। ये दोनों चंदौली और आसपास के जिलों में गरीबों और बीमार लोगों के लिए एनजीओ चलाते हैं। संस्था के सदस्य खुद रक्तदान भी करते हैं और समय समय पर सामूहिक रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करवाते हैं। अजीत और प्रियंका पिछले कई सालों से इस सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। एक ही संस्थान में काम करने के दौरान अजीत और प्रियंका को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने अपने प्यार के बारे में घर वालों से बात की। घर वालों ने भी इस रिश्ते को न सिर्फ हरी झंडी दे दी बल्कि शादी कराने को भी तैयार हो गए। 21 अप्रैल को बेहद साधारण तरीके से बिना किसी तड़क भड़क के शादी का कार्यक्रम रखा गया। चंदौली के एक मैरिज होम में समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन अजीत और प्रियंका की जोड़ी ने शादी समारोह में भी रक्तदान शिविर का आयोजन करने का फैसला किया। इसको लेकर प्रियंका गुप्ता ने बताया कि हम लोगों ने यह सोचकर रक्तदान किया कि लोग शादी तो बहुत धूमधाम से करते हैं लेकिन रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आते हैं। हम लोगों ने अपनी शादी के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, तो वहीं अब यह शादी चर्चाओं का विषय बन गई है।